विधायक ने मंदिर में फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस फलाहार कार्यक्रम का बीजेपी नेता ने विरोध किया है। सपा विधायक और बीजेपी नेता के बीच तीखी नोकझोंक सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है। तो सपा विधायक और बीजेपी नेता के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। नवरात्रि पर सपा विधायक की ओर से फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसका बीजेपी नेता ने विरोध किया है। तो शारदीय नवरात्र में इन दिनों चारों ओर माता के जयकारे लग रहे हैं। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही है जिससे माहौल खराब हो रहा है। गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र के मस्कनवा बाजार में दुर्गा पूजा के दौरान उपद्रव हुआ। समुदाय विशेष के लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसके बाद डीएम और एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आक्रोशित लोगों को शांत कराया गया। थाना क्षेत्र छपिया के कस्बा मस्कनवा के मिश्रित आबादी क्षेत्र में एक दुर्गा प्रतिमा स्थापित है। कल दिनांक 9 अक्टूबर की देर रात्र करीब 11:30 बजे माँ दुर्गा की प्रतिमा के आंखों की पट्टी को खोलने की प्रथा के दौरान पटाखों के कुछ गोले दागे जा रहे थे, जिस पर दूसरे पक्ष द्वारा आपत्ति कर इसका विरोध किया गया और वाद विवाद बढ़ गया और काफी संख्या में वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर भीड़ को समझाया बुझाया गया तथा भीड़ को मौके से हटाया गया। उच्चाधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। प्रकरण के संबंध में जो दुर्गा पूजा प्रतिमा पांडाल है उसके आयोजकों की समिति के द्वारा दूसरे पक्ष पर कतिपय आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र थाना छपिया पर प्राप्त कराया गया, जिसके संबंध में थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए प्रकरण के संबंध में नामजद एक आरोपी को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर अग्रिम। आगरा से खबर है, त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है। डीसीपी